नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के बुड्डनपुर और सुल्तानपुर रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि हैचरी वालों का एक कारनामा सामने आया था। सुबह से ही यहां से फोन कॉल्स आ रहे थे, जिसके बाद हम यहां पर पहुंचे और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जानकारी मिलने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि जिस पोल्ट्री फार्म का, जिस हैचरी वालों का ये काम था, उनके लोग यहाँ पर खुद पहुँच चुके हैं, क्योंकि खबर चल गई थी, खबर का असर तो होना ही था। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, सुल्तानपुर बुड्डनपुर रोड से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ पर किसान के खेतों में दूर दूर तक भी आप देख सकते हैं ये मरी हुई मुर्गियाँ किस तरीके से यहाँ पर फेंकी हुई थी, और जिससे बीमारी का भी खतरा बन सकता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले ही कोरोना की वजह से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर करनाल के बुड्डनपुरा और सुल्तानपुर रोड पर किस तरीके से खेतों में आप ये मरी हुई बेकार मुर्गियां देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रात के समय में ही ये काम यहाँ पर किया होगा किसी हैचरी वाले ने, क्योंकि दिन के समय में तो इनको इस तरीके से फेंक कर जाना मुश्किल काम है, लेकिन रात के समय में, अंधेरे के समय में ये काम किया होगा। कुछ यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि कब उन्होंने यहाँ पर इन मुर्गियों को किसानों के जो खेत हैं उनमें देखा। क्या नाम है सर आपका? मैं जी मार्केट से सरपंच, और मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। इसमें कोई ना कोई बच्चे खा लेते इसको, या गांव वाले कोई मजदूर खा लेते, वो बीमार नहीं हो सकते जी, है ना? क्यों डाल गया जी यहाँ, है ना? और जी ये मेरा खेत है, ठेके पे ले रखा है मैंने, आपके सामने है, मैंने जमीन ठेके पे ली हो जी। मेरे को अभी पता लग गया मीडिया के माध्यम से भी, तेरे खेत में ना दूर तक इतनी मुर्गियां फेंक गए हजारों की तादाद में, गिरने वाले भी अभी आपको जानकारी मिली? हाँ, अभी मिली जी मैंने 10 मिनट पहले। सुबह जो आसपास के जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने देखा होगा? हाँ जी, उन्होंने देखा, आज ही होगा। रात कुछ नहीं था यहाँ जी, रात को फेंक गए। डॉक्टर ने मिले? क्या नाम है? मैं डॉक्टर श्री चंद तंवर, सामाजिक चिकित्सक महासंघ डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट करनाल से। तो मैं सुबह घूमने के, मेरा गाँव है बुड्डनपुर, गाँव मेरा ही है, मैं सुबह 5:30 बजे डेली घूमने के लिए आता हूँ, शहर के लिए निकलता हूँ। तो मैं सुबह जैसे ही निकला शहर के लिए, मैंने देखा कि वहाँ गांव से लेके और सुल्तानपुर जाता हूँ डेली, 3 किलोमीटर की मेरी डाउन अप है, 3 किलोमीटर डाउन है मेरा, 6 किलोमीटर की शहर है मेरी। तो मैंने देखा कि यहाँ से शुरू हो गया, मैं इसके बाद मेरे को जाया नहीं गया, मैं उधर दूसरे रास्ता मैंने चेंज किया, क्योंकि इस रास्ते पर इतनी स्मेल थी, इतना बुरा हाल था कि मैं इस रास्ते पर जा नहीं सका। तो देखा कि दुर्लभ, दोनों साइडों में देखो जी आप, इतनी मात्रा में मुर्गियाँ पड़ी हैं, पता नहीं किस पोल्ट्री वाले ने डाला है, किसी ने, पूरे 2-3 किलोमीटर के रास्ते में मुर्गियां बिल्कुल मुर्गियां ही मुर्गियां पूरी दोनों साइडों में जी, दोनों साइडों में हजारों की तादाद में जी। तो उसके बाद मैं फिर भांखड़ा पे गया, भांखड़ा पे कम से कम 1 ट्राली भांखड़ा भी गिरेगी, नहर पर गिरेगी, नहर पर डाल रखी 1 ट्राली पूरी जी। तो इतनी बड़ी तादाद में पोल्ट्री डाल रखे, ये पोल्ट्री वाला है, चौधरी पोल्ट्री है उसके, उसका काम है हम बिल्कुल गिरने वाले भी हैं जी, ये गिरने वाले भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, चौधरी पोल्ट्री फार्म है जी, ये कट्टों में अब जो मुर्गियां डाली हुई उसी के नौकर आ रहे हैं जी, वो नौकर वो कट्टे इकट्ठा कर रहे हैं जी। और हम चाहते हैं कि प्रशासन से उम्मीद सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और इनके खिलाफ जो अटेम्प्ट मर्डर का केस दर्ज किया जाए, क्योंकि गांव में एक महामारी फैलाने की योजना है, क्योंकि जो गांव है हमारा एक गरीब समाज आदमी है इसमें पूरे। चौधरी पोल्ट्री फार्म है, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज, बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जी, क्योंकि जो हमारा गाँव है इसने अपने गाँव में, जब एक सुल्तानपुर गाँव है उसमें क्यों डाल दी इसने जी। जानवर भी इनको खा रहे थे, जानवर खा रहे, 100 के करीब कुत्ते जब समय में आया, 100-150 कुत्ते यहाँ रहते हैं जी, क्योंकि यहाँ एक हड्डी रोड है जी, उस हड्डी रोड के कुत्ते सारे के सारे यहाँ आ गए जी, वो खा रहे हैं जी, ले जा रहे हैं, खा रहे जानवर। हाँ, आपके गांव में जाएंगे तो भी बीमारी फैलने का खतरा है। देखो ऐसा जी, जानवर को भी काट सकता है, इंसान को भी काट ले, बच्चे हमारे बच्चों को भी काट ले, नंबर कोई शराबी कबाब भी कोई आ जाता है उसको, उसने क्या पता कैसी है मुर्गियाँ, तो वो उठा के उसको खा ले तो बीमारी में से उससे उसके घर का क्या नाश हो जाएगा उसका। तो मैडम, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, यहाँ से 2 बीमारियां फैली हुई हैं, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। तो इसी कारण है चौधरी फार्म से हुआ है, और इससे ये सारी चीजें बीमारियां फैली हुई हैं, लोग समाज को करने की कोशिश करते हैं, और जो वो दो उसके वर्कर है, ये चौधरी फार्म रुकनपुर पिंड से, ये उसके नाम से हैं, और उन्होंने ये सब बीमारी फैलाई हुई हैं। तो उन्होंने क्या जानकारी दी है? उन्होंने पहले तो वो झूठ बोल रहे थे, हम तो इकट्ठा करें संधू फार्म से, लेकिन वो झूठ इकट्ठा नहीं करे, उन्होंने पूरी रात घंटाई, जब मीडिया आई उनको ये लगा कि अब प्रशासन कार्रवाई ना करे तो हम बच जाएं। हाँ जी, हाँ जी, जी मैम, जी वो भाग गया। मैंने सुबह कमल मिड्डा जी को सुबह बुलाया था,
और ये अभी रवि पत्रकार जी अपने भाटिया मित्र है मेरे, क्योंकि मेरे जो करनाल में सामाजिक महासंघ की हर महीने मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग, उसमें आते रहते हैं ये, और मेरा जो उस हिसाब से मेरा इनके साथ बढ़िया फ्रेंड सर्कल है, तो मैंने इनको फ़ोन किया तो ये तुरंत के तुरंत आ गए। और आप पत्रकार बंधुओं का जो यहाँ पर आपने कवरेज लाइव दिखाई है, मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो एक पत्रकारों का जो आप सही जो काम कर रहे हो आप हमारे पत्रकार भाई, मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक मीडिया कवरेज दिखाना, एक हर एक आदमी की न्यूज़ दिखाना, ये एक बहुत ही अहम होता है, क्योंकि मास्क लगा के रखिए, क्योंकि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ फैली हुई हैं। बुढ़नपुर गांव से सुल्तानपुर तक 3 किलोमीटर का ये रास्ता बताया जा रहा है, जिस 3 किलोमीटर के रास्ते में ही सुबह के समय जो लोग यहाँ पर सैर करने आते हैं, उन्होंने सबसे पहले ये जानकारी दी थी उन तमाम लोगों को जिनके खेत यहाँ पर हैं, कि आखिर कितनी दूर दूर तक हजारों की संख्या में यहाँ पर मरी हुई मुर्गियाँ किस तरीके से फेंकी हुई हैं, जानवर इनको खाते तो किस तरीके से बीमारी फैल सकती थी। स्वाइन फ्लू की बात करूं, बर्ड फ्लू की बात करूं, तो सब की सब मुर्गियों से ये बीमारियां होती हैं। कोरोना काल पहले से ही चल रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैचरी वालों की किस तरीके से ये करतूत सामने आती है, कि रात के समय में वो खेतों में किस तरीके से हजारों की संख्या में मरी हुई मुर्गियाँ, बेकार मुर्गियाँ यहाँ पर फेंक कर चले जाते हैं रात के अंधेरे के समय में। और मैं आपको बताना चाहूँगी, उस पोल्ट्री फार्म का नाम भी निकल कर सामने आया, जिनके कर्मचारी खुद यहाँ पर पहुंचे थे उनको कट्टे में डालने के लिए। आसपास जो जितने भी तमाम जो लोग हैं उनका यही आरोप है कि चौधरी पोल्ट्री फार्म है जिसके कर्मचारी यहाँ पर खुद पहुंचे थे, ये आरोप अभी गांव वाले लगा रहे हैं। हालांकि स्पष्ट चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई हैं, क्योंकि जो भी आरोपी होगा उसके प्रति पुलिस वालों की जांच भी बनेगी, FIR भी दर्ज होगी, और जिसने भी ये काम किया है उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। आप हरियाणा के करनाल से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो बेकार और मरी हुई मुर्गियाँ हैं, किस तरीके से जितना भी आप आगे जाएंगे लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक आपको मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ देखने को मिलेंगी। और ये आप देख सकते हैं, जो जानकारी हमें मिली थी कि उसी पोल्ट्री फार्म के 2 कर्मचारी यहाँ पर आए थे जिन्होंने इसको कट्टे में डाले। सर कहाँ गए वो कर्मचारी जो भी आए थे? जी आपके आने से पहले तो 2 मिनट पहले भाग गए जी। हाँ, अरे इनको गरीब आदमी ठाक खा लेंगे, फिर कौन जिम्मेदार होगा, है ना? खा लेने मतलब दौड़ की तड़की बच्चे ठाए फिरते, डर के मारे भाज गए, ये डर के मारे भाज गए खाली। और क्या नाम है? पंकज है मैडम मेरा नाम। ये जो ये काम किया है बहुत ही गलत काम है ये, इसके खिलाफ बहुत वो होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। पहले इससे कहीं डेथ भी होगी जी स्वाइन फ्लू से, यहाँ ये तो महामारी का रूप ले रहे हैं आजकल, आपने पता ही। वालों का अगला कदम क्या होगा? कदम तो ये होगा सैनिटाइजर होने से आ काम, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मखिया देखो, हाँ उनसे भी, प्रशासन से हमारी यही गुहार है जोड़ के, ऐसा ना हो, क्योंकि हैचरीज कितनी आसपास यहाँ पर मैं बात करूँ तो हैचरी तो मैडम कई हैचरी तो काफी है जी, 2-3 तो है रुकनपुर में जी, और 5 या 6 के आसपास है बैनी खुर्द में जी, बैनी कला बैनी खुर्द में जी, उसके बाद 4-5 है जटपुर गाँव में जी, तो कम से कम यहाँ पर आसपास के गाँवों में 14 से 15 के आसपास हुआ हैचरी है। और उस आप गाँव में देखो जाके बैनी खुर्द में जी, बैनी कला में आपको बैठ के ना खाना नहीं खा सकोगे आप, इतनी मक्खियां हैं, इतनी मक्खियां हैं जी, खाना नहीं खा सकते बैठ के आप जी, चाय नहीं पी सकते आपके जी, चाय में कप लिया ना, कप लेते ही लेते कम से कम 4-5 मक्खी डल जाएंगी उसके अंदर जी, इतना बुरा हाल है। क्योंकि मेरे सुल्तानपुर में डॉक्टर की प्रैक्टिस है, 25 साल से सुल्तानपुर में डॉक्टर की प्रैक्टिस है, और तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इसके ऊपर, कोई प्रशासन से यहाँ पर पहुँचा भी है? प्रशासन से कोई नहीं आया जी, मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी जी, मीडिया का जो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो भाई मेरे यहाँ पर कवरेज के लिए प्रशासन को कंप्लेंट की थी तो वो आए नहीं? नहीं कोई नहीं आया जी, प्रशासन कोई नहीं आया जी। फार्म उसका नाम है रणजीत चोपड़ा, रणजीत चोपड़ा उसका है जी, जिसका पोल्ट्री है जी, पर आप आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ जी, बिल्कुल जी क्लियर होगा जी, उसके जो लेबर मजदूर आ गए जी, सीसीटीवी कैमरा वगैरह में भी चेकिंग हुई है, सीसीटीवी कैमरे मैडम यहाँ पर लगे कोई है नहीं लगे हुए जी, वहाँ पर लगे उससे वहाँ पता चल जाएगा पोल्ट्री में। पहले कभी ऐसा हुआ है कि इस तरीके से कोई? मैडम पहले होता है, हाँ पहले होता है, मगर भाखड़ा में डल जाते हैं पहले जी, भाखड़ा में डाल जाते हैं, भाखड़ा में कल भी रात को डाल जाते हैं, हमारे को उसका कोई मतलब नहीं था जी। तो अब तो ये गांव से जो सैर लोग काम करने के लिए निकल रहे हैं खेतों में अपने, क्या वजह लगती है कि रात के समय में इस तरीके से खेतों में फेंक के चले गए? मैडम हो सकता है कोई शायद भाई कोई जो महामारी फैलाने का कोई ऐसा, वो कोई उसका कोई साजिश, इतनी मरने का क्या कुछ कारण रहता है?
इतनी मरतों सती शायद कुछ दवाई देके मारी हो, क्योंकि बिकता आगे बिक तो नहीं है। हाँ तो उसमें मर भी गई होगी या मर दी गई, क्योंकि करनाल आगे बिक नहीं है, क्योंकि इनको जो इनका जो खाना ना इनका जो वो बहुत महंगा पड़ता है तो बिक रही नहीं है, तो इस चक्कर में मार दी होगी। क्या कार्रवाई चाहते हैं सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी, मैं यहीं कार्य करता हूँ बिजली विभाग में। मैं सुबह जब आया तो अपने लाइन को देखने के लिए तो देखा तो आसपास में मुर्गियाँ इस तरह से पड़ी हुई है, गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, तो हमने भी देख करके बड़ा अचंभा हुआ कि इस तरह से बीमारी गांव में एक बुलावा दिया जा रहा है। खेत है, उनको ये जानकारी मिल चुकी है? हाँ जी मिल चुकी है, सब पूर्व सरपंच जी है, इनके खेत है यहाँ पे, और उधर से जो तूड़ा बना रहे थे उनको भी जानकारी मिल चुकी है। इस तरह से मतलब मैडम बहुत बीमारी को न्योता देने का कार्य है एक किस्म से। तो दोनों गांव के जो मौजूदा सरपंच हैं वो भी मौके पर आए थे? नहीं, गांव से एक ही गांव से सर आए हैं जी, आसपास के गांव से कोई नहीं आया जी। उनको पता नहीं लगा जी, अभी उनको पता ही नहीं लगा जी, क्योंकि समस्या एक ही गांव की है ना जी, तो आसपास के जो भी पोल्ट्री फार्म ने वाले ने जो भी डाली है, हम तो चाहते हैं प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, वो आगे प्रशासन से बातचीत। हाँ जी जानकारी देंगे जी, हम प्रशासन से बात करें और उनका आपका भी धन्यवाद करते हैं। नीरज कुमार जी, मैं रुकनपुर से ही हूँ, वहाँ अब भी यानी मुर्गियाँ पड़ी है जी, मरी हुई वहाँ अंदर, और ये उसके जो काम करने वाले थे इनको उठा के ले जाने रहे थे नार में गिरने के लिए, वो आगे ना आप आगे आपको देख के चले गए हो। दो महामारी फैली है। पोल्ट्री फार्म से जो कर्मचारी यहाँ पर मुर्गियों को कट्टे में डालने के लिए आए थे, ये कट्टे आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो हम जब यहाँ पर मौके पर पहुंचे तो वो यहाँ से भाग गए, कहीं हम उनसे कोई सवाल जवाब ना कर ले, कहीं हम ऑन कैमरा उनसे कुछ पूछ ना ले, इस वजह से शायद वो अब यहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन आप देख सकते हैं गाँव के जो तमाम लोग हैं उनके द्वारा हमें यही जानकारी मिली है, इन्होंने आरोप भी लगाए हैं एक पोल्ट्री फार्म वालों पर जिनके कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है वो तो पुलिस जांच का विषय है और पुलिस ही बताएगी, पुलिस ही कार्रवाई करेगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह के समय में जो लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आए थे उन्होंने देखा कि किस तरीके से खेतों में काफ़ी दूरी तक मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ पड़ी हुई थी, वो मरी हुई मुर्गियाँ थी, और पहले बताया जा रहा है कि उन मुर्गियों को भाखड़ा में फेंक दिया करते थे, लेकिन कल रात के समय में अंधेरे के समय में खेतों में फेंक दिया गया। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देखने से साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं एबन 24, मैं हूं महक शर्मा, करनाल के सुल्तानपुर रोड से आप सभी के साथ लाइव इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।